इस बार सर्दियों के मौसम की शुरुआत जरा जल्दी हो गई, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो गई है। यही ऊंची चोटियां हैं जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इर्द गिर्द, जहां पर भारतीय सेना की तैनाती है। यानी इस बार एक तो दुश्मन सामने और ऊपर से मौसम। भारतीय सेना के जवान ऐसे में भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। किस तरह की तैयारियां हैं एलएसी पर नॉर्थ सिक्किम से, देखिए मेरी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तापमान केवल एक आंकड़ा होता है जब तक उससे जूझना न पड़े। बर्फ केवल खूबसूरती है जब तक उस बर्फ में दिन रात तैनात न रहना पड़े। -25 तक का तापमान, बर्फीली हवाएं, धुंध की चादर, लेकिन इस सफेद सन्नाटे के बीच जिंदगी का भरोसा देते हैं हमारे ये वीर जवान। भारतीय सेना की जो त्रिशक्ति कोर है वो सिक्किम और सिक्किम के आसपास के जो सभी इलाके हैं उनके लिए जिम्मेदार है, और त्रिशक्ति कोर की स्ट्राइकिंग लाइन डिवीजन वो सिक्किम के इन दूर दराज क्षेत्रों के लिए रिस्पॉन्सिबल है और यहाँ पर तैनात है। मेरी यूनिट स्ट्राइकिंग लाइन डिवीजन का एक अहम हिस्सा है, और इसके पूरे AOR में जहां पर भी रिक्वायरमेंट पड़ती है वहां पर हम अपनी टास्क को पूरा करने के लिए योग्य हैं और सक्षम हैं। इस बार ठंड की शुरुआत जल्दी हो गई, लिहाजा तैनाती की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। सभी क्या कार्रवाई? यह मेरा यूनिट का जिम्मेवारी का इलाका है, इसलिए हम डेली पेट्रोल करते हैं। डेली यहाँ पर चाहे कैसा भी मौसम हो आपको पेट्रोलिंग करती रहे? किसी भी मौसम में पेट्रोलिंग करते हैं डेली। पेट्रोलिंग की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बॉर्डर सटा हुआ इलाका है, इसलिए अपने इलाके की सुरक्षा के लिए हमें पेट्रोल करते हैं डेली। लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर जहां एक एक सांस लेना भी मुश्किल है, वहां भारतीय सेना के ये जवान अपने साथ 25 से 30 किलो का भारी साजो सामान लेकर पेट्रोलिंग करते हैं। इस पूरे क्षेत्र में पेट्रोलिंग की आवश्यकता बहुत होती है और पेट्रोलिंग की चुनौतियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। आप देखेंगे कि जो लोड एक सैनिक यहाँ पर लेकर पेट्रोलिंग करते हैं, सब क्या क्या चीजें कैरी करते हैं? इसमें हमारा खाने पीने का सामान है, और साथ में टेंट लिए हुए हैं जहाँ की मौसम खराब हो जाता है और हम अपनी सुरक्षा से रह सकते हैं। ये शवल भी मैं देख रही हूँ आपके पास। जब ये थोड़ी ज्यादा बर्फ पड़ जाने के कारण यहाँ पे रास्ता बनाने के लिए काम आता है, बर्फ काटी भी जाती है और हटाई भी जाती है। ये बहुत आम है क्या कि यहाँ पर मौसम बिगड़ता है? क्या मौसम बिगड़ने की आशंकाएं बहुत ज्यादा रहती हैं सर? यस मैम, हाँ मैडम, यहाँ पे ज्यादा मौसम खराब रहता है और मौसम बिगड़ने की ज्यादा संभावना रहती है, हवाएं चलती हैं, इसलिए हम लोग अपना सामान के साथ ही पेट्रोलिंग करते हैं। औजार हमारे मतलब बर्फ हटाने के लिए है, और अगर ज्यादा बर्फ पड़ जाती है उसको काट के हटाया जाता है और फिर रास्ता बना के आगे मार्च किया जाता है। एक तो दुश्मन, ऊपर से मौसम, ये दोहरा मुकाबला है, दोहरी चुनौती, दोहरी लड़ाई है, लेकिन भारतीय सेना कई कई मोर्चों पर एक साथ लड़ने में सक्षम है। यहाँ से -27-28 तक तापमान जाता है और ये बर्फबारी इतनी है, अब इससे ज्यादा होती जाएगी, कई फीट बर्फ। हाँ, बर्फ ज्यादा गिरती रहती है यहाँ पे। हाँ। और यहाँ का मौसम ये है कि अपना रुख कभी भी बदल सकता है। अच्छा, तो क्या मतलब बर्फीले तूफान जैसी चीजें होती? बर्फीले तूफान जैसी चीजें होती रहती है, बारिश गिरती है। देश के रक्षक अपने अपने परिवारों से दूर समूचे देश को परिवार मानते हैं और सबकी हिफाजत में खड़े। सरहद पर निगाहें, ट्रिगर पर उंगलियां, दुश्मन पर निशाना, यही भारतीय सेना का त्योहार। आपके लिए आतिशबाजी की आवाजें कुछ अलग होती होंगी, लेकिन यहाँ सरहदों पर जो आतिशबाजी है दरअसल वो प्रशिक्षण की ही आवाज है, उसी की गूंज है जो यहाँ पर सुनाई दे रही है। सर, कितना अहम होता है कि आप डिप्लॉयमेंट वाले इलाकों में आप ट्रेनिंग, क्योंकि हम देखते हैं कि कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में ट्रेनिंग्स चलती है, लेकिन यहाँ पर कितना अहम? पर्सनल वेपन एक सोल्जर का बेस्ट फ्रेंड होता है, सो देयरफॉर बाय डूइंग सो वी आर गेनिंग प्रोफिशिएंसी
in handling the weapon in the battlefield, as well as maintenance of the equipment in this altitude, and plus gaining the confidence over the weapon. फौज में आपका जो यूनिट होता है वो आपकी यूनिट ही आपका परिवार है. आप अपनी तैनाती के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चीजें बदलती रहती हैं जहां पर आपकी तैनाती हो रही है, डिप्लॉयमेंट के एरियाज. कुछ नहीं बदलता है तो आपका इतिहास, आपका पराक्रम, आपकी विरासत. 1971 की लड़ाई में जो पाकिस्तान ने हमारी हाइट्स कैप्चर की थी, उन कैप्चर्ड हाइट से वो हमारे नेशनल हाईवे और कारगिल टाउन को अपने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में रखे हुए थे, और इसीलिए उनको रिकैप्चर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान इनके ऊपर भारी तादाद में बमबारी कर सकता था. शिंगो नदी घाटी के तकरीबन 17 किलोमीटर के पैच में 17 पाकिस्तान की पोस्ट रिकैप्चर की, जो आज की तारीख में भी हमारी फोर्सेस के कंट्रोल में है. और इस ऑपरेशन के लिए हमारे 20 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनमें से हमारे 4 साथियों को बहादुरी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया. इनमें आप देश के शौर्य की संपूर्ण झांकी देख सकते हैं, क्योंकि ये देश की मिट्टी से उपजे हर सपूत की ब्रिगेड, प्राण जाति धर्म पहचान से परे सिर्फ योद्धाओं की ब्रिगेड. वैसे तो यही संपूर्ण भारतीय सेना की भी पहचान है. ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं, मेहनत में कोई कमी नहीं, मुस्तैदी में कोई कमी नहीं. ये जो PMTs होते हैं ये अपने आप में युद्ध लड़ने में सक्षम होते हैं. आप सोचिए कि एक ऐसी बख्तरबंद गाड़ी जिसका कवच इतना अभेद्य है, वो युद्ध के मैदान में केवल अकेले नहीं, इसके भीतर जो इन्फेंट्री के जो सैनिक हैं, यानी जो पैदल सैनिक हैं, वो भी इसके भीतर बैठ सकते हैं. ये पानी पर तैर सकता है, ये एम्फीबियस भी होता है, ये सारी चीजें होती हैं. किसी भी तरह के टेरेन में जाकर, चाहे एंटी एयरक्राफ्ट इसका इस्तेमाल हो या फिर एंटी टैंक इसका इस्तेमाल किया जाए, इसकी जो ये 30mm कैनन है ये उसमें सक्षम रहती है पूरी तरीके से. इस तरह के हाई ऑल्टीट्यूड वाली जगहों पर इस तरह के जो BMPs हैं उनकी मौजूदगी बहुत ज्यादा ताकत देती है. पहाड़ी इलाकों में आपको समतल जमीन नहीं मिलती है, कोई सड़क नहीं होती है जिस पर आप आराम से आगे गुजर रहे होते हैं. वहां पर ऊंची चोटियां होती हैं, अचानक आपको नीचे उतरना होता है. ये देखिए और किस तरीके से वहां पर पानी, नदियां, सारी चीजें रहती हैं, और उसमें सक्षम है ये BMP. लेकिन ये भी समझिए कि पूरी तरीके से इस तरह का किरदार निभाना उस मशीन को जो कंट्रोल कर रहे हैं हाथ, उनके उस पर निर्भर रहता है. और ये जो BMPs है ऐसे मौके पर गेम चेंजर्स साबित होती है. हमारे पास में टेक्नीशियंस काफी अपग्रेडर्स, जो अनुभवी एक्सपीरियंस वाले हमारे पास टेक्नीशियंस होते हैं, जो उस फॉल्ट को, उस चीज को जल्दी से जल्दी पकड़ के. हमारे पास में कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो नहीं होने वाला. हम बिल्कुल पूरे एफर्ट के साथ जल्दी से जल्दी उस फॉल्ट को दूर करते हैं, और हमेशा ऑपरेशनल के लिए ऑल इक्विपमेंट को बिल्कुल रेडी हालत में रखें. ये बात क्या है, आपका पहला हमेशा पहला? पहला हमेशा पहला. युद्ध के समय तरह तरह के हालात होते हैं, और जब प्रशिक्षण का वक्त होता है यानी तैयारियों का वक्त, उस समय हर हालात, हर आशंका को सोचकर प्रशिक्षण में ही उसका समाधान ढूंढना ये तय करता है कि जब मौका आएगा तब हमारा पराक्रम किस तरह नजर आएगा.